एक आप पूछ रहे थे कि कविता याद करने में समस्या आती होगी, है ना? कविता याद करने में समस्या आती है, तो इस समस्या का समाधान क्या है, बताइए? समस्या का क्या समाधान है? कविता याद करने में सबको समस्या आती है, हर आदमी को आती है शुरुआती दौर में। कौन से राइटर का कौन सी कविता है ये समझने में भी दिक्कत आती है, बिल्कुल सही है। तो इसका समाधान क्या है? हर समस्या का समाधान तो है ही नहीं, कोई ऐसी समस्या बनी है जिसका सॉल्यूशन ना हो, तो इसका क्या सॉल्यूशन है? इसका समाधान ये है कि जैसे आप हम लोग पढ़ रहे हैं नई कविता की विशेषता पढ़ रहे हैं, तो एक विशेषता हमने क्या लिखा था, राजनीतिक बोध। नहीं, क्यों राजनीतिक बोध? क्योंकि तो भारत आजाद हो गया, भारत जब आजाद हो गया तो लोगों ने सोचना शुरू किया कि आजादी मिली किसको। नहीं, प्रश्न तो उठेंगे ही और इसलिए उठा भी। तो राजनीतिक बोध पर, यानी पहले के जो शासक थे अंग्रेज थे वो चले गए, तो अब तो अपने लोग आ गए, हमारी अपनी व्यवस्था, हमारा अपना संविधान, हमारी अपनी सरकार, हमने चुना है सरकार को, लेकिन सरकार काम नहीं कर पा रही है। तो इस पर प्रश्न उठा कि केवल हम आज़ादी के गीत गाएं या कुछ और भी है आज़ादी का मतलब? आज़ादी का मतलब है कि एजुकेशन तो सबको मिले, नहीं, आज़ादी का मतलब है कि मिनिमम हेल्थ सिस्टम तो मिले, संचार सुविधा तो मिले, नहीं, जीने का अवसर तो मिले, ये सब तो मिनिमम आवश्यकता है। यानी एक जो अंतिम व्यक्ति है वो अपने श्रम से कम सुबह शाम खाना तो खा सके, ऐसे अवसर तो प्रदान करना पड़ेगा। मान लीजिए कोई चाहता है कि 8 घंटे हम काम करें, और 8 घंटे काम करने के बाद भी अगर होरी को भरपेट खाना नहीं मिलता है, घीसू और माधव को खाना नहीं मिलता है, तो दोषी कौन है बताइए? घीसू माधव, वो तो 8 घंटे काम करने को तैयार है। नहीं, कोई 8 घंटे काम करने को तैयार है, और तब खाना कौन, खाना की व्यवस्था कौन करेगा? सरकार को एक सिस्टम बनाना पड़ेगा कि भाई जो आलू उपजा रहा है उसके खेत से कोई आलू खरीद ले। सरकार ये तो नहीं करेगी कि भाई जो चिप्स बना रहा है उसको 200 गुना फायदा दे दे, और जो आलू उपजा रहा है उसको आलू की कीमत भी न मिले। ये कौन देखेगा, किस लिए हमने सरकार चुना है? तो ये प्रश्न उठा। अब इसमें से एक कविता आपको याद रखना है, समस्या कहाँ शुरू होती है, जब कई आपने, हमने तो कई कविताएं लिखवा दी, तो याद करने में आपको दिक्कत आती है। तो आपको क्या करना है, एक विशेषता और एक कविता याद। मान लिया आपने याद कर लिया, कागज की आज़ादी मिलती ले लो दो दो आने में, बस तो हो गया। अगर आप तीन चार याद करना चाहेंगे तो समस्या तो आएगी ही। तो अभी प्रारंभिक स्तर पर आपको क्या करना है, एक विशेषता के साथ एक कविता, दूसरी विशेषता है नगर बोध। तो ऐसे आप लिख लीजिए नगर बोध पर एक कविता, और पूरी कविता नहीं, सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं, एक बात पूछूं उत्तर दोगे फिर विष कहाँ पाया, एक बार उसकी रीडिंग लगा ली। फिर उसके बाद जी सबके लिए कविता, तो फिर इसके लिए एक उदाहरण, हम तो सारा का सारा लेंगे जीवन, कम से कम वाली बात हमसे मत कहिए, है ना? तो आपको क्या करना है, एक विशेषता में तो एक ही उदाहरण लिखना है कि ज्यादा लिखना है? एक विशेषता में एक उदाहरण लिखना है। तो इसीलिए अब तो याद हो जाएगा, ये कोशिश करने पर हो सकता है, हो सकता है या नहीं? सब क्यों करेंगे एग्जाम में तो, हाँ वही होता है, जैसे सिविल सेवा में तो और आसान है, 20 अंक का सवाल आएगा। 20 अंक का सवाल कितने शब्दों में लिखेंगे, 250 शब्दों में, जितना हमने लिखवा दिया है उसका 1/4 लिखना है, आपकी कॉपी में जितना है उसका कितना लिखना है, 1/4 लिखना है, और जितना उदाहरण लिखा है उसका भी 1/4 लिखना है। तो आपको जो सरल उदाहरण, हम इसलिए ज़्यादा लिखवा देते हैं कि उसमें से हो सकता है किसी को कोई भी सरल लगे। मान लीजिए किसी को सरल लग रहा है कि झूठ मूठ सुजला सुफला के,
किसी को ये सरल लग रहा है कि तुमने मेरे छाती पर पड़े पत्थर को हटाया, इसके लिए धन्यवाद, और फिर तुम मेरी छाती पर बैठ गए। अब आपकी ट्यूनिंग किस कविता से बैठती है, आपका इंटरेस्ट किससे होता है, हर आदमी का एक अपना क्या है सोचने का तरीका। तो आपको जो कविता आसान लगती हो उसमें से एक कविता, आपको एक विशेषता के लिए एक कविता ऐसे ही कर लेना। समझ में आ गई बात? ज़्यादा याद करेंगे तो उसका प्रयोग नहीं कर पाएंगे, तर्कस में उतना ही तीर रखना है। हाँ, जो हम हमारे तर्कस में हमने बहुत तीर रखा हुआ है और प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं, तो ये समस्या रहती है। एग्ज़ाम हॉल में भी यही समस्या है। पास बिल्कुल औसत तरीके से भी किसी ने तैयारी की है, साफ साफ, साफ साफ का मतलब जो बुनियादी बात है, कुछ होता है ना बेसिक बात, जैसे नागार्जुन कह रहे कि दाल भात तरकारी, ये बेसिक बात कि रोटी दाल, और विद्यार्थी क्या बनाते हैं, DBC, हाँ क्या बनाते हैं, हाँ नहीं बच्चा बनाना बंद कर दिया, तो ये तो मिनिमम है, इतना तो मिलना ही चाहिए, नहीं मिलना चाहिए ना। ठीक वैसे ही मिनिमम तैयारी में लोग सफल हो जाते हैं, बुनियादी चीज़ें हैं उसी में सफल, सफलता कहाँ दिक्कत रहती है, दिक्कत रहती है कि बहुत सारे शब्दों के झमेले में भयग्रस्त विद्यार्थी हो जाता है, डर जाता है, तो डर जाता है तो बहुत कुछ रटने लगता है ना। कोचिंग वाले ने कोई एक शब्द दे दिया, उस शब्द के पीछे क्या रहता है, हूबहू उतारने के चक्कर में रहता है, तो ये सब नहीं करना है। बिल्कुल नई कविता की विशेषता ये जी पांच है, पांच उदाहरण सरल शब्दों में लिख दिया, पास कर गए। ऐसे ही तो एग्जाम में आते हैं सवाल, छायावाद की विशेषता बताइए, कितना आसान आसान सवाल आता है, देखा है सवाल। असफलता कहाँ मिलती है, जब वो बुनियादी बात तक आपकी पहुंच नहीं हो पाती है ना, बीच में बहुत सारे झमेले रहते हैं, हर जगह झमेले रहते हैं, चाहे वो धर्म हो, चाहे वो संस्कृति हो, चाहे वो पढ़ाई हो, हर जगह बीच में बहुत झमेले रहते हैं, उस झमेलों को हटाइए, सीधी सीधी बात कीजिए। कबीर क्या कहते हैं, मैं कहता हूँ आखन देखी, नहीं सरकार भी झमेला पैदा करती है, सीधे सीधे अगर कबीर से ही कोई पूछा जाता है, कोई किसान से पूछे भाई तुम्हारी समस्या कैसे दूर होगी, सीधी बात करेगा समस्या दूर, सरकार क्या करेगी, तरह तरह की कमेटी बना देगी, समस्या उलझ जाएगी, नहीं किसान से पूछे भाई तुम्हारे प्रॉब्लम कैसे दूर होगा, तो कहेगा कि मेरे खेत से ले लीजिए, खरीद लीजिए, समस्या दूर मेरी, जहाँ हम खेत से उपजाते हैं वहीं से क्या कर लीजिए, खरीद लीजिए, हमको उचित कीमत दे दीजिए, हो गई समस्या दूर। वो आपसे थोड़ी कुछ ज़्यादा मांग रहा है, लेकिन वो किसान अपना फसल लेके कहाँ आएगा, मंडी में आएगा, मंडी में कंप्यूटर फेल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा कि नहीं, अब आलू लेके आया 3 दिन आपका कंप्यूटर फेल रहेगा, वो 3 दिन का भाड़ा कहाँ से देगा, ट्रैक्टर का लोड किए हुए है, सबको समस्या पता है, अगर उसका वहीं खरीद लिया जाए तो समस्या क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी, सबको प्रॉब्लम पता है, उसका एड्रेस पता है। तो हिंदी में भी या कोई भी विषय में जब आप अपना प्रश्न देखेंगे तो बहुत आसान आसान सवाल होते हैं, बिल्कुल पॉइंट वाइज लिखिए, एक एक उदाहरण दीजिए, और इस रेस से क्या हो जाइए, पास हो जाइए। नहीं आसान है कि कहना आसान है, करना कठिन है, क्या करना कठिन है, तो नई कविता की विशेषता याद हो जाएगी। पांच विशेषता, अनुभव की प्रामाणिकता और प्रगतिवाद और प्रयोगवाद का संश्लेष, पांच कविता कौन कौन सा याद होना चाहिए, और ऐसे शब्द लिख लीजिए कागज, याद हो जाएगा। संक्षेप में लिखिए, पहला ही एक शब्द तो दिक्कत करता है, नहीं किसी ने कहा झूठ मूठ, अब आगे याद हो जाएगा, झूठ मूठ सुजला सुफला के है ना, एक पेज में रखे रहिए पॉकेट में, भूल देख लीजिए, खाते हुए एक बार देख लिया, सोते हुए एक बार देख लिया, एक एक सेकंड लगते हैं देखने में, कितना समय लगेगा,
हमको मुश्किल से लगता है कि अगर 5 कविता देखेंगे, एक पेज में कविताएं लिखा, बस पूरा नहीं, बस एक ही शब्द और उसको दोहरा लिया, 2-3 दिन दोहराएंगे तो अपने आप याद हो जाएगा। लेकिन क्या, हाँ टेस्ट से भी हो जाएगा तैयार, लेकिन एक ही समस्या है कि आप ज्यादा याद मत कीजिए, ज्यादा याद करेंगे तो समस्या, फिर नहीं लिख पाएंगे। ज्यादा अपने आप याद हो जाएगा, अभी प्राथमिक स्तर पर एक एक ही याद रखना है, ठीक है। इसी तरह से हम तो सारा का सारा लेंगे जीवन, गर्म पकौड़ी, यही सब कविता थी ना, और क्या कविता थी बताइए। हमारे यहाँ संसद तेल की वो खानी है, ठीक है। और कौन सी कविता थी, देखो धंसी धंसी ये आँखें, और कौन सी कविता थी, मरम्मत के लिए खड़ा है, ठीक है। और जहाँ लिखा है प्यार वहाँ लिख दो सड़क, ये कैसे नहीं याद होगा, वो बताइए इस उम्र में नहीं कैसे याद होगा, जहाँ लिखा है प्यार वहाँ लिख दो सड़क, मेरे युग का मुहावरा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसमें जानिए कि समकालीन कविता में एक शब्द इधर उधर हो तो उससे अंक नहीं कटते, समकालीन कविता बातचीत करती है आपसे, आजकल की कविताएं कैसे करती है, आपसे डायलॉग करती हैं। अब डायलॉग करती हैं तो जो कहना चाहती है उसमें कोई दिक्कत ना आए, एक शब्द इधर से उधर हो जाए तो उससे अंक नहीं कटेगा। अंक कहाँ कटेगा, जैसे मान लिया राम की शक्ति पूजा से आप लिख रहे हैं, कुरुक्षेत्र से लिख रहे हैं, तो वहाँ पर कटेगा अंक। लेकिन नई कविता के बाद की जो स्थितियां हैं उसमें, वो तो बातचीत वाला हिस्सा है, ठीक है। तो ये करके देखिए, 5 से ज़्यादा याद मत कीजिए तो याद हो जाएगा, है ना। आपको शोध तो करना नहीं है, आपको तो एग्जाम पास करना है। और समझिए साफ साफ, केवल इतना ही है कि समझने में कोई जाला ना हो, मतलब ये ना हो कि हर चीज़ इम्पॉर्टेंट लगता हो, तो इसका मतलब है कि पुनर्विचार कीजिए उस पर। कोई चीज़ बहुत ज़्यादा कठिनता से आपको याद होता हो, या आपको लगता हो कि ये भारी भरकम शब्द है, हमको हम तक नहीं पहुंच पा रहा, क्यों लिख रहे हैं ये पता ही नहीं है। कई बार हम लोग क्या लिखते हैं, बिना सोचे समझे कोई शब्द लिखते हैं, तो वैसा नहीं करना है, ठीक। किसी टीचर ने कोई बोल दिया, वो शब्द हम क्या कर रहे हैं, ढोए जा रहे हैं। आपको अंदर से ये फील होना चाहिए कि हम जो लिख रहे हैं वो पूरी तरह समझ रहे हैं। अगर ऐसा होगा तो एग्ज़ाम आसान हो जाएगा, नहीं। इसलिए बहुत रटना या बहुत परेशानी से पढ़ना, इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है कि परेशान होकर पढ़ रहे हैं, है ना। ऐसा होता है, हम भी विद्यार्थी रहे हैं तो इसलिए समस्या आती है, नहीं, समस्या आती ही है। कह रहे थे कि नई कविता या कोई भी चीज जो है, आपको कोई भी वर्ड अगर लगे कि ये सीधा सीधा कोई चीज, समझिए आषाढ़ का एक दिन समझ रहे हैं, आखिर रचनाकार कहना क्या चाहता है, बिल्कुल साफ साफ, उससे क्या होगा कि आपको लिखने में कोई परेशानी नहीं होगी, समझने में, यानी परीक्षक तक आपकी बात पूरे आत्मविश्वास से जाएगी, आत्मविश्वास में कमी नहीं हो, है ना। किसी भी स्तर पर आपको लगता है कि हमको कोई शब्द उधार का लेना पड़ रहा है या कोई कंसेप्ट उधार का लेना पड़ रहा है जिसको हम अपने से नहीं समझ पा रहे हैं, तो वहाँ पर रुकिए, वहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए। और ये बिल्कुल बुनियादी तरीके से, बेसिक तरीके से सोचिए, क्या इनकी आवश्यकता है, इसकी आवश्यकता है, रचनाकार जो कह रहा है वो क्यों कह रहा है, क्या उद्देश्य है, और आप सफल हो जाएंगे। बीच में बहुत सारी भ्रांतियाँ रहती है जिसके कारण तैयारी में दिक्कत आती है।